तो 2022 में करारी शिकस्त के बाद समाजवादी पार्टी 2024 और 27 के लिए अब अपनी जमीन को तलाशती हुई नजर आ रही है। लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हुए दिख रहे हैं। जनसभाओं में पहुंचकर अखिलेश यादव अपने हार के पीछे सरकार पर ही ठीकरा फोड़ते हुए भी दिखते हैं। चंदौली वाली घटना को लेकर अखिलेश यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान उठाए। मंत्री जी को दौरा नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री जी को जिन अस्पतालों की व्यवस्था ठीक करनी है उसके लिए बजट उपलब्ध कराना चाहिए। अगर केजीएमयू में बजट नहीं होगा, बजट लोहिया इंस्टीट्यूट में नहीं होगा, बजट अगर सिविल हॉस्पिटल में नहीं होगा, बलरामपुर हॉस्पिटल में नहीं होगा, राजधानी के अस्पतालों का अगर ये हाल होगा तो प्रदेश के दूसरे अस्पतालों का क्या हाल होगा। सबसे पहले मंत्री और मुख्यमंत्री जी को, सरकार को इन अस्पतालों को पर्याप्त बजट देना चाहिए, तब जाकर के जनता को इलाज मिलेगा, तब जाकर जनता को दवाइयां मिलेंगी।